हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन देसी विलेज कुकिंग चैनल में। तो दोस्तों, आज देखिए ये तालाब में आए हैं हम लोग क्या करने के लिए। घोगोली पकड़ेंगे, मछली पकड़ेंगे, कहाँ कहाँ मिलता है ये देखो। कितना आदमी आए हैं, कहाँ मिलता है, बैंक भी मिलता है तो बैंक भी पकड़ के ले जाएगी। इधर देखो लकड़ी हम लोग किस तरह जुगाड़ होता है देखो। में इतना इतना बड़का फट गया और इतना सारा घुगोली, इतना सारा घुगोली हो गया। अरे क्या है, आप लोग को देखिए कमेंट करके बताना क्या है। ये तो खराब, और मछली तो नहीं पकड़े, फिर आएंगे उस दिन मछली पकड़ेंगे, आज तो सिर्फ घुगोली है पकड़े। चलो तो अभी घर जाएंगे। पर इसको सीधा करके यहाँ पे डाल दिए थे ठंडा होने के लिए, इसके बाद इसका मिटवा निकालेंगे। रोज रोज तो गोइठा से हम सब्जी बनाते हैं, तो आज तो मुइला से बनाएंगे। गोइठा डाले, इसके बाद ये है मुइला, इसी तरह होता है। ये कोयला का गुंडी है, इसको अच्छा से लड्डू जैसा बनाया है, लड्डू जैसा बनाया। तो इसके ऊपर कोयला डालिए, मुइला डालेंगे। ये देखिए, ये देखो इसी तरह रहता है कोयला का लड्डू।
तो दोस्तों ये देखिए महा का फल, इसको सूखा करके रखे थे तो अभी सब्जी बनाएंगे तो भिगो करके रखेंगे इसी तरह। सब उतना नहीं बस आका मिलाते हैं, काका मिलाएगी आवाज करता है वो। तो दोस्तों ये देखिए महा का फल, इसको आज सब्जी बनाएंगे एकदम टेस्टी। इसको सूखा करके रख, मतलब कि एक साल तक भी रख सकते हैं, एक साल के बाद भी यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होता है। खराब नहीं होता है, दिखने में कितना अच्छा लगता है। इसमें डालेंगे पानी में, पानी में डाल करके हल्का उबालेंगे पूरा मसाला पीसेगी। हाँ मसाला पीसेंगे इसको, अच्छा से धोएंगे, अच्छा से धो लेते हैं तो खरीद करके लाए हैं इसीलिए धो लेते हैं। ये है लहसुन और ये है जीरा और गुल की, दोनों मिक्स है। और ये है अदरक, तो हो गया है पीसेंगे, इसको ठुकना पड़ेगा ताकि एकदम पूरा सूख गए। मसाला तो भी गया, तो दोस्तों इसको यहाँ पे चढ़ाएंगे महा का फल। तो ये देखिए महा का फल तो सीधा नहीं है, इसको पतली में डालेंगे महा का फल और आलू। तो दोस्तों कढ़ाई चढ़ाएंगे कढ़ाई, तो दोस्तों कढ़ाई तो गर्म हो गया है, आप डाल लेंगे साथ को तेल तो गर्म हो गया है, डालेंगे खड़ा मसाला। खड़ा मसाला तो डाल लिए हैं, अब डालेंगे प्याज। प्याज डाल करके इसके साथ तेज पत्ता, प्याज तो फ्राई हो गया है, डालेंगे गुलगुली का मीट, मामा घर का धो करके रेडी कर देंगे। गोंदी करेंगे, आलू को सिझा लिए हैं, अच्छा से सिझा गया है, तो गुंडी कर लिए है, डालेंगे महा का फल सूखा वाला, सूखा करके इसको उबाल लिए हैं तो देख लिया, तो इसको भी डाल लेते हैं। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, नमक सहवा मसाला डालेंगे, ये हल्दी का पाउडर इसको डालेंगे, पानी, मरीच का पाउडर, एक मुख लगाएंगे दबकेगा तो सब्जी रेडी। तो सारा सामान लगा लिए है, इसको अंदर घुसा देते हैं, घुसेंगे सामान, ढक्कन खोल करके देखते हैं सब्जी रेडी हुआ कि नहीं। सब्जी तो रेडी हो गया है, उतार देंगे एकदम पूरा डपकने लगा, पूरा डपकने लगा।